चल पड़े क्या? निकल गया सामरे पल के पास पहुंचने वाले हैं। अच्छा ठीक है ओके। आप लोग कहाँ हो? मैं हम इधर जो टर्निंग लेते हैं ना स्मिथ विले की तरफ उधर रुका हूँ, सिप्स वगैरह लिया हूँ, आगे जा रहा हूँ। ठीक है ठीक है ओके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी कैन एक्सप्लोर। आज हम आप लोग को लेके जा रहे हैं बहुत ही शानदार वाटरफॉल में, अनोखा वाटरफॉल में। ये जुलाई का महीना है और हम गर्मी से ठंडा ढूंढने के लिए जा रहे हैं शिलोंग सिटी से बाहर। तो हमारे साथ बने रहिए और सफ़र कीजिए एक अनोखा वाटरफॉल देखने के लिए। देखो यहाँ से 12 किलोमीटर में ही इतना गर्मी लग रहा था अभी, और यहाँ देखो इतना ठंडा है, मौसम एकदम कूल हो गया। तो हम स्मिथ विला के रोड में चलने लगे और वहाँ एक्चुअली उस दिन मेरे दोस्त भी गुवाहाटी से आ रखे थे, तो वो लोग लाइटलोम ग्रैंड कैनियन जा रखे थे, तो वापस आते समय उनसे मिलना था, तो हम उनसे मिलने के लिए बीच में हॉल्ट किए। ड्रिंक साहब से तो अभी तक मिल जाना चाहिए था। हेलो हाना अच्छा, ठीक है सर, पाया सो ओके। तो वो लोग बोला सब्जी ले रहे हैं, तो गेट लो वहाँ पे थोड़ा आगे जाएगा, तो आगे चल अभी जा रहे हैं, वो भी बहुत पीछे हो गया, थोड़ा मैं गिरे ही चलता हूँ, थोड़ा हॉल करते हैं थोड़े टाइम के लिए। इधर लाइटलोम ग्रैंड कैनियन पहुँचने वाला है, लेकिन लाइटलोम कैनियन हम नहीं जाएंगे, हम थोड़ा हट के जाते हैं हर बार वीकली, तो इस बार भी जा रहे हैं एक लोकेशन में, वाटरफॉल का नाम बाद में बता, ठीक है ना? आपने ट्रेलर तो देख लिया होगा। तो एट लास्ट मेरा दोस्त हमारी रुका हुआ जगह में पहुंच गए और हम छोटा सा इंटरेक्शन करके बाद उन लोगों के साथ ग्रुप फोटो होने के बाद उनको गुवाहाटी के लिए विदाई कर दिए और हम अपना डेस्टिनेशन के लिए रवाना हो पड़े। भाई ऐसे तो पहुंचेंगे नहीं भाई, इंतजार खत्म हुआ, बंदे आ गए, हम से आगे चले गए, बताओ। दोस्तों हम लाइट लूम पहुंच गए अभी, भाई इस जगह में बाइक लेके आओ बहुत ही मजा आता है। वाह दोस्तों ये रपलैंग बैठी है, रपलैंग तो लोग ग्रैंड कैनियन लाइट लूम देखने आते हैं, लेकिन रपलैंग वैली का व्यू अलग ही है। यहाँ भी थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा नहीं है, थोड़ा आने से के बाद लाइट लूम जाने से पहले आपको लेफ्ट टर्न लो और यहाँ पहुँच जाओ, बताओ मीटर वो कैमरा में तो नहीं आ रहा होगा। और यहाँ एक वाटरफॉल भी है, हालांकि हम यहाँ नहीं जाएंगे अभी, हम आगे जाएंगे आगे, यहाँ भी एक वाटरफॉल है उधर। भाई मेघालय वासियों के लिए क्या बताऊँ, तो सर्क मिल रखा है, ये जगह सर्क से कम नहीं है। यार लेफ्ट 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 इधर 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 ये क्या बात है, ये सबसे लेस एक्सप्लोर जगह है मनोरे का। इस लोकेशन में बहुत सारे वाटरफॉल है एक्चुअली, चिंक्रियार विनियोर पीडम फॉल तो उसका भी वीडियो है मेरे पास, वो हम लास्ट टाइम गए थे पेटम फॉल। आज हम जा रहे हैं भाई, हम अभी जा रहे हैं आज वाराणसी वाटरफॉल। फाइनली मैं रिवील कर दिया हम कहाँ जा रहे हैं, वाराणसी वाटरफॉल। दोस्तों वाराणसी वाटरफॉल शिलोंग के पुलिस बाजार से लगभग 60 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। अगर वहाँ आप जाना चाहते हैं तो गूगल अर्थ में ओनली लोकेशन लगा लीजिए और उसी हिसाब से चलते पड़िए, लेकिन 60 किलोमीटर होने के बावजूद आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है क्योंकि जो रोड है बहुत ही एड़ा तेरा है, लगभग हमें 3 घंटा से ज़्यादा ही लगा हो जब गए थे, तो आप उसी हिसाब से टाइम को मैनेजमेंट करके। दोस्तों इसी रोड से आप नोंगजरंग भी जा सकते हो, तो हम नोंगजरंग जाने से पहले हम राइट टर्न ले लिए हैं और राइट टर्न लेने के बाद आपको पुंगटुंग विलेज का साइनबोर्ड दिखाई देगा। तो पुंगटुंग विलेज से एक तो पीडम फॉल के लिए जाते हैं और दूसरा जो रोड जाता है वो वाराणसी वाटरफॉल के लिए जाते हैं, वो रास्ते से जाते हैं।
बीच में हब की खा रही थी। नो वाराणसी कितना दूर है? बहुत दूर है ना, एक घंटा लगेगा भाई। दोस्तों माउकिन माउकिन में पहुंच गए और हमें अभी सीधा नहीं जाना है, अभी लेफ्ट जाना है। कार में बहुत टाइम लगता है, देखो कार हो गया दोस्तों, ये सफर आप नहीं भूल पाएंगे। वो यहाँ रोड है, कितना ज्यादा है भाई। वो जो फीलिंग है ना, बता नहीं पाएंगे वो भाई। दोस्तों हम लोग अभी 40 मिनट दूरी पे हैं, मतलब 17 किलोमीटर दिखा रहा है जीपीएस में, 17 किलोमीटर जाने के लिए भी 13 मील रास्ता है ना। लेकिन जो व्यू है ना, आप इसको ना किसी के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते। ये पीडम फल इधर है, वो कहाँ गया? हम पहुंच गए जंक्शन में, ये पीडम फल और राइट साइड में पीडम और इधर सिमटुंग वाले। वाह थोड़ा दोस्तों, मैं पीडम फल तक तो आ रखा था, अभी ये जो है मेरे लिए भी नया और अभी 10 किलोमीटर दिखा रहा है, तो 10 किलोमीटर के बाद हम पहुँच सकते हैं। मुझे लगता है 20 मिनट लगेगा मुझे लगभग 20 मिनट। हाँ ठीक है, वो तो अच्छा है, तो ऐसा लगता है ना मैं इधर लेट जाऊँ। वाओ क्या है ये, इंडिया हम श्योर और के इंडियन जाना है। बिहार में जा रहा हूँ इंफियाट वाटरफॉल, तो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ कि कौन सा वाटरफॉल का साइन बोर्ड दिखाई दे रहा था। सिंकियात और विनियो वीडियो बन रहा क्या है वो? मैं यही देख रहा था, मानस किया क्या है ये? उनको मीम बनाएंगे। दिल को टाने के लिए कोय है, कोय छूट के रखा है भाई, मैं फिर खाऊंगा। गुड गुड, बात को हमने संभाल लिया, कोई नहीं है। बांग्लादेश बांग्लादेश उधर उधर Where is your final destination? Yeah. This one. Yeah. So nice. So nice. Wow. देखो भाइयों, हम पहुंच गए अपना डेस्टिनेशन वाराणसी वाटरफॉल। अभी वाटरफॉल देखा ही नहीं कैसा है, लेकिन भाई वाटरफॉल आने का जो रास्ता है मस्त है यार। ना मानना पड़ेगा, अरे मोबाइल ही नहीं लिया, बताइए भाई। हम तो स्पीकर भूल के आ गए, हम अप्रॉक्स 64 किलोमीटर शिलोंग से आगे हैं। यहाँ पे वाराणसी वाटरफॉल देखने के लिए, बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है बोला गया है, पता नहीं क्या है। आगे जाके देखेंगे। ओ भाई सच में ये पीपल का पेड़ नहीं है, तो दूसरा है कुछ। वी आर पीपल, देयर इज नो पीपल, नो पीपल, इट इज नॉट पीपल, नॉट पीपल। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, वी आर नॉट पीपल, वी आर पीपल,
There is no people tree. जो एंट्री में 50 रुपए ले लिया पर है, हमको तो आवाज आने लगी, 50 रुपए ले लिया, तो वी आर माइनस 50 हमको। तो दोस्तों बहुत लंबी दूरी तय करने के बाद हमको झंडे की आवाज सुनाई दे, आवाज दे रही है, देखते हैं कैसा दिखाई देता है, हमको नहीं पता, लेकिन एक बार आपको एक्सप्लोर करवाते हैं। पानी में जो वीडियो में दिखाई देता है ना, उसने बहुत बहुत गुना किया था, बहुत ही अच्छा। तो मैं कहता हूँ एक बार इस जगह को एक्सप्लोर करो। बारे वाह, हमारे दूल्हे लंगड़े जब यहाँ क्या दिक्कत है आप भाई, मैं पानी में नहाऊंगा पक्का, सकता है लेकिन दूर है, अर्ली मॉर्निंग आउट है, अर्ली मॉर्निंग आउट करना पड़ेगा, थोड़ा डाउन करना, एक्सरसाइज भी कराएंगे, उसके बाद सीरिया जन्नत में बोल पानी कम है, पानी लाइफ जैकेट वाला नहीं है। वाह गोरी गोरी वाह, वाराणसी वाटरफॉल में पहुंच गए हैं, आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है, देखो यहाँ पर दोस्तों झूले भी लगे हुए हैं, झूले भी लगे हुए हैं, तो तैरना नहीं है, झूले पे बैठ, झूले पे बैठ के आराम ले सकता है। अच्छा ये बीच भी है, छोटा बीच सबसे आगे, छोटा सी बीच, तो बीच का बीच और आइलैंड है, छोटा सा आइलैंड है, एक टिकट बात होता है आइलैंड, हाँ। जो सबसे आगे चल रहा है ना, हाँ। उसी बंदे को तैरना नहीं आता, वो आगे जा रहा है, तैरना नहीं आता है, उसी को नहीं आता, बताओ भाई, हम ऊपर जा रहे हैं ऊपर भाई। अच्छा आपको दिन में दिखाया होगा हमने नजर ना, आज आपको ऐसी जगह दिखाते हैं ना शाम को, कसम से अगर आपको जिंदगी में पैसे के अलावा कुछ चाहिए ना, इधर तो ये है, ये जगह है वो। हो जहाँ भी आप एक बार ना इस जगह को जरूर एक्सप्लोर, बड़े मजा आ रहे थे, बहुत देर हो गया और हम वापस जा रहे हैं अभी। आपको मैं बता नहीं सकता इतना सुंदर जगह है ना ये वाराणसी वाटरफॉल, अरे भाई अनएक्सप्लोर जगह है मेघालय का, लेकिन वाओ क्या बताऊं। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करना चाहूंगा, लेकिन आप अगर मौका मिले तो इधर पक्का आइएगा, बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है और बहुत लवली एनवायरमेंट, लवली वाटरफॉल है। आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, पसंद आया तो आप लाइक्स कमेंट और शेयर कर दीजिएगा।